हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमी। आप देख रहे हैं हैप्पी टेल्स और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्मॉल डॉग ब्रीड्स के बारे में जो कि आप आसानी से रख सकते हैं अगर आप एक मीडियम या स्मॉल साइज के घर में रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करें नंबर वन डॉग ब्रीड के बारे में, तो नंबर वन डॉग ब्रीड है पग। दोस्तों, पग एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 25 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक होती है और इसका ओरिजिन चाइना से है। दोस्तों, ये डॉग ब्रीड स्मॉल साइज के अपार्टमेंट में काफी आसानी से रह सकती है और इसकी ग्रूमिंग करना भी काफी ज्यादा ईजी होता है और ये डॉग ब्रीड बच्चों के साथ भी काफी फ्रेंडली होती है, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप पग ले रहे हैं तो। मगर दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप पग ले रहे हैं तो, क्योंकि इनकी आइस का साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए इनको आइस में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आइस में इंफेक्शन होना, खेलते खेलते आइस में लग जाना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम पग के साथ आ सकती है। मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो पग एक काफी अच्छी डॉग ब्रीड है। अगर आप एक स्मॉल साइज के अपार्टमेंट में रहते हैं तो पग आपके लिए काफी अच्छी डॉग ब्रीड है। तो दोस्तों, नेक्स्ट डॉग ब्रीड के बारे में बात करें तो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है बीगल। दोस्तों, बीगल भी एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट पग से थोड़ी सी बड़ी होती है। इसकी हाइट 33 सेंटीमीटर से लेके 41 सेंटीमीटर तक होती है। दोस्तों, बीगल थोड़े से जिद्दी टाइप के होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होता है, इसलिए इन्हें रेगुलर वॉक की, रेगुलर एक्सरसाइज की काफी जरूरत होती है। अगर आप बीगल ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप उसे डेली एक्सरसाइज करवाएं, डेली वॉक पे लेके जाएं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप बीगल ले रहे हैं तो। दोस्तों, मैंने बीगल पे एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डॉग ब्रीड के बारे में बात करें तो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है शिज़ू। शिज़ू भी बीगल की तरह एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है, मगर इसकी हाइट बीगल से छोटी होती है। इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर तक होती है और ये डॉग ब्रीड भी स्मॉल साइज के अपार्टमेंट में काफी आसानी से रह सकती है। इनकी ग्रूमिंग करना थोड़ी सी मुश्किल होता है क्योंकि इनके हेयर्स काफी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रूमिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप शिज़ू ले रहे हैं तो, इस डॉग ब्रीड को हॉट वेदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप शिज़ू ले रहे हैं तो इसे ज्यादा हॉट वेदर में ना रखें। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप शिज़ू ले रहे हैं तो, दोस्तों काफी सारे लोग ल्हासा एप्सो और शिज़ू का मिक्स कर देते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप शिज़ू ले रहे हैं कि वो प्योर ब्रीड हो, वो ल्हासा एप्सो और शिज़ू का मिक्स ना हो। दोस्तों, नेक्स्ट डॉग ब्रीड के बारे में बात करें तो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है पोमेरियन। दोस्तों, पोमेरियन एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है जो कि टॉय डॉग ब्रीड में आती है। इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर तक होती है। दोस्तों, इस डॉग ब्रीड की ग्रूमिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके भी हेयर शिज़ू की तरह लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रूमिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, पोमेरियन एक काफी ही प्यारी डॉग ब्रीड है। अगर आप पोमेरियन ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि काफी सारे लोगों को पोमेरियन और इंडियन स्पिट्स में फर्क नहीं पता चलता, इसलिए कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो लेने पोमेरियन जाते हैं और ब्रीडर उन्हें पोमेरियन की जगह इंडियन स्पिट्स दे देते हैं। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप पोमेरियन लेने जा रहे हैं तो पोमेरियन ही लेके आए, इंडियन स्पिट्स ना लेके आए। तो दोस्तों, नेक्स्ट डॉग ब्रीड के बारे में बात करें तो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है इंडियन स्पिट्स। दोस्तों, इंडियन स्पिट्स एक काफी ही पॉपुलर डॉग ब्रीड है इंडिया में और ये उन लोगों के लिए काफी अच्छी डॉग ब्रीड है जिनका बजट थोड़ा सा कम है। सो दोस्तों, अगर आप ऐसा डॉग लेना चाहते हैं जिसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े और वो डॉग ज्यादा खर्चा भी ना कर पाए तो इंडियन स्पिट्स आपके लिए बेस्ट डॉग ब्रीड रहेगी। दोस्तों, अगर आप इन डॉग ब्रीड्स के प्राइस जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आप वो वीडियो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं ना जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्प्रेड लव।